सी आई टी एन सी आर टी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक की गणित की ध्वनि पुस्तक आनंदमय पाठ तेरह खिलौने ही खिलौने पृष्ठ एक सौ बीस चित्रों को देखिए और खिलौनों की संख्या पता कीजिए यहाँ पर एक चित्र बना है जिसमें अलग अलग खिलौने रखे हुए हैं आपको इस चित्र के अनुसार खिलौनों की संख्या को पता करना है हाथी रिक्त स्थान गाड़ी रिक्त स्थान भालू रिक्त स्थान गुड़िया रिक्त स्थान अधिक या कम या बराबर का प्रयोग कर दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए क गुड़ियों की संख्या कार की संख्या से रिक्त स्थान है ख हाथियों की संख्या गुड़ियों की संख्या से रिक्त स्थान है भालुओं की संख्या हाथियों की संख्या से रिक्त स्थान है गा, गाड़ियों की संख्या भालुओं की संख्या से रिक्त स्थान है पृष्ठ एक सौ इक्कीस रंग बिरंगे फूल बगीचे में सबसे अधिक दिखने वाले फूलों के रंगों के नाम बताइए इस पृष्ठ की दाई ओर अलग अलग रंगों के फूल दिखाए गए हैं रंग बिरंगे फूलों के चित्र को देखिए और फूलों की संख्या लिखिए नीले फूल रिक्त स्थान, नारंगी फूल रिक्त स्थान, लाल फूल कितने हैं ये स्थान में लिखिए और बैंगनी फूलों की संख्या कितनी है ये रिक्त स्थान में भरिए क सबसे कम संख्या वाले फूलों के रंग का नाम लिखिए रिक्त स्थान ख सबसे अधिक संख्या वाले फूलों के रंग का नाम लिखिए रिक्त स्थान सही या गलत ग लाल रंग के फूलों की संख्या नीले रंग के फूलों की संख्या से ज्यादा है बताइए ये कथन सही है या गलत रिक्त स्थान में भरिए घ नारंगी रंग के फूलों की संख्या बैंगनी रंग के फूलों से कम है सही या गलत रिक्त स्थान में लिखिए परियोजना कार्य क रंग बिरंग के फूलों की किनारी वाला कार्ड बनाए ख अपनी कक्षा में पता करें कि कितने बच्चों के नामों में तीन अक्षर चार अक्षर और चार से अधिक अक्षर आते हैं पृष्ठ एक सौ बाईस पहेलिया काम्पल ने संख्या कार्ड लगाए और अनाया ने उन्हें कटोरियों से इस तरह ढक दिया क्या आप इन संख्याओं को पहचान सकते हैं यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है जिसमें अलग अलग संख्याएं दी गई हैं और उनके ऊपर कटोरी रखी हुई है एक गिलहरी उन चित्रों को देखकर उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही है आप भी ऐसे ही संख्या कार्डों की संख्याएं हाथ से छिपाएं और अपने मित्रों के साथ ये खेल खेलिए गिनो और बताओ कि कितनी लकड़िया हैं? तीन या चार यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है जिसमें कुछ लकड़ियां बनी हुई हैं। दो बच्चे एक लड़का और एक लड़की इन्हें गिनने का प्रयास कर रहे हैं लड़के के अनुसार लकड़ियां हैं चार और लड़की के अनुसार लकड़ियां हैं तीन अब आप बताइए कि कितनी लकड़ियां हैं तीन या चार गा, जरीना ने इन गिलासों को इस तरह लगाया आप इसे आगे बढ़ाने में सहायता कीजिए यहां पर उल्टे रखे गिलासों से एक पैटर्न बना हुआ है जो जरीना ने बनाया है पहले चित्र में एक गिलास है दूसरे में तीन गिलास तीसरे में छह गिलास उसके बाद दो रिक्त स्थान है आपको इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है और इन रिक्त स्थानों को भरना है पृष्ठ एक सौ तेईस घ एक से दस तक की संख्याओं को ढूंढिए यहां पर एक चित्र बना है जिसमें अक्षर तालिका है अक्षरों को अलग अलग ढंग से लिखा गया है जिससे कि संख्याओं के शब्द ढूंढना मुश्किल हो गया है। आपको इस तालिका में अलग-अलग अक्षरों को जोड़कर, चाहे वो एक दूसरे के ऊपर हो या नीचे दाएं हो या बाएं या टेढ़े हों उन सभी अक्षरों को मिला के एक से दस तक की संख्याओं को ढूंढना है अंग इन गेंदों में एक से पांच तक की संख्याएं लिखिए जिससे दोनों ओर का जोड़ बराबर हो यहाँ पर एक चित्र बना है जो त्रिकोण आकार का है और एक पेंसिल भी बनी है आपको इन गेंदों में एक से पांच तक की संख्या इस प्रकार लिखनी है जिससे दोनों ओर का जोड़ बराबर रहे चा गिल्लू केवल आठ ही बोलती है उससे कोई ऐसा प्रश्न पूछो जिसका उत्तर आठ हो तो वो खुश हो जाती है और ऐसा प्रश्न पूछो जिसका उत्तर आठ न हो तो निराश हो जाती है अब गिल्लू से ऐसे प्रश्न पूछिए जिसका उत्तर आठ हो पृष्ठ एक सौ चौबीस छ त्रिकोण चौकोर और गोलाकार को इन खानों में इस तरह बनाइए कि कोई भी आकृति प्रत्येक पंक्ति आड़े में और प्रत्येक स्तंभ में खड़े में केवल एक बार ही हो। यहाँ पर एक तालिका दी हुई है, जिसमें अलग-अलग खाने बने हुए हैं। हैं। पर तीन पंक्तियां और तीन और स्तंभ आपको हर पंक्ति और हर स्तंभ में त्रिकोण चौकोर और गोलाकार एक एक बार ही बनाना है जिससे कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में त्रिकोण चौकोर और गोलाकार एक से ज्यादा बार ना हो जा चार तरह की वस्तुएं जैसे चार बटन चार कंकड़ चार बीज चार मिट्टी के गोले आदि ले लें अब उन्हें दिए गए बक्सों में इस प्रकार रखें कि प्रत्येक वस्तु एक पंक्ति क्षैतिज और एक स्तंभ ऊर्ध्वाधर खड़ी में केवल एक बार आए यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें सोलह बक्से हैं। आपको इनमें चार तरह की वस्तुएं जैसे चार बटन चार कंकड़ चार बीज और चार मिट्टी के गोले आदि रखने हैं इस तरह से कि वो किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ में केवल एक बार आए क्या आप किसी और तरीके से भी इसे भर सकते हैं झ मैं कौन हूं अ मैं पांच और दस के बीच की संख्या हूँ और उल्टा ऊपर से नीचे की ओर पढ़ने पर मैं तीन अधिक हो जाता हूँ कौन हूँ मैं रिक्त स्थान भरिए मैं आठ से तीन अधिक और चौदह से तीन कम हूँ कौन हूँ मैं रिक्त स्थान भरिए स मैं पचास के बाद और चौवन के पहले की संख्या हूँ और मेरे अंकों का योग सात है रिक्त स्थान भरिए द मैं चालीस के ठीक पहले की संख्या हूँ कौन हूँ मैं रिक्त स्थान भरिए yeah, मुझमें पांच जोड़ दो तो पूरे चौबीस हो जाएंगे कौन हूँ मैं रिक्त स्थान भरिए र मैं रैतीस के ठीक बाद की संख्या हूँ रिक्त स्थान भरिए ल मुझमें से आठ कम कर दो तो चौदह ही बचेंगे कौन हूं मैं रिक्त स्थान भरिए पृष्ठ एक सौ पच्चीस बताओ मैं कौन हूं आप चाहे तो दर्पण की सहायता ले सकते हैं इस चित्र के चार बक्सों में कुछ संख्याएं उल्टी करके लिखी हुई हैं आपको बताना है कि ये संख्या कौन कौन सी हैं। आप चाहें तो दर्पण की सहायता ले सकते हैं शून्य बनाने के लिए दिया या सलाइयों का उपयोग हुआ है यहाँ पर एक चित्र दिया है जिसमें छह दिया सलाइयों या माचिस का उपयोग करके शून्य बनाया हुआ है अब क्या आप एक दिया सलाई को उठाकर कहीं और रखकर दूसरी संख्या बना सकते हैं ठ गायब टुकड़े को ढूंढिए और घड़े को पूरा कीजिए यहां पे दो चित्र दिए हुए हैं एक चित्र में एक टूटे हुए घड़े के कुछ टुकड़े हैं और दूसरे चित्र में एक टूटा हुआ घड़ा है जिसे लगभग जोड़ा जा चुका है अब इस घड़े में केवल एक ही टुकड़ा गायब है आपको बचे हुए टुकड़ों में से वो एक टुकड़ा ढूंढकर घड़े को पूरा करना है पृष्ठ एक सौ छब्बीस ड आप संख्या पांच को कितनी बार पच्चीस में से घटा सकते हैं ढ रानू के पास तीन बीज हैं वो नीचे दिए गए संख्या चार्ट की किन्हीं तीन संख्याओं पर बीज लगाना चाहती है ताकि उन संख्याओं का योग सत्रह हो जाए क्या आप इसमें रानू की सहायता कर सकते हैं यहां पर एक तालिका दी गई है जिसमें सोलह बक्से हैं इन बक्सों में अलग अलग संख्या दी हुई हैं आपको किन्ही तीन संख्याओं पर बीज लगाने के लिए रानू को बताना है ताकि उन संख्याओं का योग सत्रह हो जाए आपने इसे कितने प्रकार से किया यदि आपके पास दो बीज हैं तो आप उन्हें कौन सी संख्या पर रखेंगे जिससे कुल सत्रह प्राप्त हो रा सही छाया चित्र पर घेरा लगाइए यहाँ पर एक छोटे से बंदर का चित्र बना है और साथ ही साथ चार विकल्प दिए गए हैं जिसमें उसी छोटे बंदर का छाया चित्र बना हुआ है आपको सही छाया चित्र पर घेरा लगाना है पृष्ठ एक सौ सत्ताईस नौ तक के प्रत्येक संख्या को खानों में ऐसे लिखी जिससे पंक्ति और स्तंभ का योग समान हो यहाँ पर पांच बक्से दिए गए हैं आपको इन पांच बक्सों में पांच से नौ तक के प्रत्येक संख्या को इस तरीके से लिखना है जिससे पंक्ति और स्तंभ का योग समान हो। था, जोड़ अथवा घटाव करके बीच की संख्या बनाए यहाँ पर तीन आकार दिए हुए हैं इसमें हर आकार में एक केंद्रीय संख्या लिखी हुई है आपको अलग अलग जोड़ और घटाव करके बीच की संख्या बनानी है तीनों आकारों की केंद्रीय संख्याएं हैं ग्यारह, पंद्रह उदाहरण के लिए छह बनता है सात घटा एक से और साथ ही साथ तीन जमा तीन से भी द खाली स्थान में उपयुक्त संख्या लिखिए खाली स्थान में उपयुक्त संख्या लिखिए यहां पर एक चित्र दिया गया है जो कि एक चित्र पहेली है इसके मध्य में संख्या लिखी हुई है पंद्रह अब हमें अलग अलग जोड़ से कुल संख्या पंद्रह बनानी है उदाहरण के लिए एक विकल्प हमारे समक्ष है ये है नौ जमा बराबर पंद्रह बिल्कुल ऐसे ही अलग अलग रिक्त स्थानों को भर के कुल संख्या पंद्रह बनाइए एक सौ अट्ठाईस ध सरिता के पास चार अलग अलग मूल्य के सिक्के हैं रुपए दस का सिक्का रुपए पांच का सिक्का रुपए दो का सिक्का और रुपए एक का सिक्का रुपए उनचास खर्च करने के लिए सिक्कों की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए ये बताइए न संतरे का मान पता लगाओ दिए गए चित्र में दो तरबूज हैं। इनका कुल मान दिया हुआ है आठ अगले चित्र में एक संतरा और एक तरबूज है। है इन दोनों का कुल मान आखिरी चित्र में एक संतरा दिया गया है जिसका कुल मान आपको पता लगाना है और इसका सही उत्तर रिक्त स्थान में लिखना है प आओ गेंदों से खेलें। यहाँ पे चार गेंदों के चित्र बने हैं जिन पे संख्याएं लिखी हैं दो चार और अ, तीन गेंद चुनिए जिनका योग पंद्रह हो ब ऐसी तीन गेंद चुनिए जिनका प्राप्तांक स्कोर सबसे अधिक हो स ऐसी तीन गेंद चुनिए जिनका प्राप्तांक स्कोर सबसे कम हो अभी आप सुन रहे थे कक्षा एक की गणित की ध्वनि पुस्तक आनंदमय वाचन स्वर वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो ध्वनियांकन विकास सांगवान निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति सी आई ई टी -E एन सी आर टी -E नई दिल्ली भारत